नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जी हां, वो घड़ी एक लंबे वक्त के बाद में आ चुकी है जब भारत फाइनल में पहुंच चुका है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला आज होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज फाइनल मैच होगा और जिसके बाद अगर भारत के हिस्से में आती है जीत तो भारत ट्रॉफी जीत जाएगा, खिताबी मुकाबले में रचा जाएगा इतिहास। आज दुनिया को मिलेगा T20 का नया बादशाह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं, महामुकाबले में मौसम पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, खिताबी मुकाबले में इतिहास रचा जाएगा, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मुकाबला T20 2024 सीरीज का बारबाडोस में खेला जाएगा और किंगस्टन ओवल स्टेडियम में इस मैच को होना है। खिताबी मुकाबले में इतिहास रचा जाएगा और आपको बता दें कि देखिए, साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची है तो वहीं भारत इसके पहले भी कई बार इस यहां तक पहुंचकर हारा है, लेकिन इस बार पूरी तरीके से नजर ट्रॉफी पर। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में आगे बढ़ती रही है और देखिए आज वो घड़ी आ चुकी है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका का आमना सामना T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भिड़ने का आ चुका है। शनिवार को बारबाडोस में यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा और टीम इंडिया ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। T20 रैंकिंग की अगर बात की जाए तो भारत अभी टॉप पर है और दक्षिण अफ्रीका पांचवें नंबर पर है। ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भिड़ने को तैयार हैं। वर्ल्ड कप फाइनल शनिवार को बारबाडोस में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। T20 रैंकिंग की बात करें तो भारत अभी टॉप पर है और दक्षिण अफ्रीका पांचवें नंबर पर है। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अब तक दमदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते हैं। दोनों टीमों के कप्तानों की कोशिश इसी सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एडन मार्करम के नेतृत्व में इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 मैच खेले हैं और 8 में जीत हासिल की है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंची थी। अब अगर टीम चैंपियन बनती है तो अजय रहते हुए चैंपियन बनेगी और पहली बार कोई ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी। वहीं टीम इंडिया दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनना चाहेगी। टूर्नामेंट में भारत का सफर अब तक शानदार रहा है। भारत के पास 11 साल बाद इतिहास दोहराने का मौका है। अगर टीम इंडिया फाइनल जीतती है तो किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया एक संतुलित टीम दिख रही है। फाइनल में ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे जहां पर इस पूरे मैच को लेकर गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहां पर उत्साहित आज भारत की जनता नजर आ रही है क्योंकि आखिरकार वो लम्हा आ चुका है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है और आज साउथ अफ्रीका से बारबाडोस के स्टेडियम में जब सामना होगा उस दौरान टीम इंडिया स्क्वाड किस तरीके से परफॉर्म करता है उस पर सबकी नजर होगी। तो T20 महामुकाबला आज शाम 7:30 बजे पहले होगा, उसके बाद में 8 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया पिछला T20 का जो चैंपियन है वो रहा है, लेकिन इस बार नॉकआउट में वो बाहर हुआ और खुद भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, सेमीफाइनल तक अगर बात करें तो इंग्लैंड पहुंचा था और इंग्लैंड को भारत ने हराया, जिसके बाद अब फाइनल में पहुंच चुका है भारत और इस पूरी सीरीज में भारत अजेय रहा है। हर एक मैच में बड़े अंतर से जीतता रहा है भारत, चाहे बैट्समैन की बात करें तो लगातार देखिए सभी बैट्समैन की ओर से शानदार परफॉर्म किया जाता रहा है और बोलर्स में भी कुलदीप यादव, अक्षर पटेल या फिर अक्षदीप की बात करें, लगातार ये सब बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, आज के इस खास दिन को लेकर गजब का उत्साह अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के महामुकाबले की जब घड़ी आई है तो देश भर में क्रिकेट के चाहने वाले जो हैं वो लगातार यही दुआएं कर रहे हैं कि टीम इंडिया ट्रॉफी जीत कर आए। और कड़ी में रायबरेली में भी देखिए, आज के इस मैच को लेकर गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। रायबरेली से हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, आज फाइनल की घड़ी आ चुकी है, रात 8 बजे मैच शुरू हो जाएगा, रायबरेली में क्रिकेट प्रेमी आज के इस मैच को लेकर कितने उत्साहित है?
बिल्कुल, देखिए आज दक्षिण अफ्रीका से और इंडिया से जो मैच होना है रात 8 बजे से इसकी शुरुआत होगी। तो फाइनल को लेकर के रायबरेली में देखा जाए तो काफी उत्साह लोगों में दिखा। जो क्रिकेट के प्रेमी है उन्होंने सुबह रायबरेली में सबसे पहले पूजा भी की और आज जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर भी लोगों में उत्साह दिखा। जो क्रिकेट के प्रेमी है उन्होंने पूरे दिन आज उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जो देश इंडिया जीत सके। और रायबरेली अगर क्रिकेटों की बात की जाए तो उन जो क्रिकेटर है उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं आज के जो महामुकाबला है उसको लेकर के रायबरेली में खासा उत्साह है कि और जिस प्रकार आज मैच होना है लगातार सुबह से ही लोगों की निगाहें टीवी पे बनी हुई है और जो क्रिकेट के प्रेमी हैं लगातार क्रिकेट को लेकर के जो है आज दुआ कर रहे हैं ताकि वो इंडिया जीत सके, इसको लेकर के लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो रायबरेली में जो है क्रिकेट को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला। जी बिल्कुल, साफ तौर पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। केशवनंदन, जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जगहों पर पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। भारतीय टीम फाइनल्स में इसके पहले कई बार पहुंची है। 2023 की बात करें तो नवंबर में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा था जब वर्ल्ड कप का मौका था, और कहीं ना कहीं वो सारे दर्द लोगों के मन में है, वो सारा दुख लोगों के मन में है जो आज एक बार फिर से उम्मीदों में तब्दील हो चुका है और उम्मीद है कि आज भारत ट्रॉफी देश में लेकर आएगा। बिल्कुल, देखिए आज एक बार फिर मौका मिला है जब इंडिया और दक्षिण अफ्रीका से आज मैच होगा उसको लेकर के लोगों की निगाहें हैं, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। वो चाहे पूरे देश में लगातार लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं ताकि एक बार आज जो देश में ट्रॉफी आ सके। लोगों की निगाहें आज की ट्रॉफी में शाम 8 बजे से जिस प्रकार क्रिकेट शुरू होगा लेकिन उसके पहले से ही दुआओं का दौर लगातार जारी, लोगों का उत्साह है क्योंकि लगातार जो देश के प्रति लोगों का प्रेम भी है और जो क्रिकेटर उनसे भी लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं। और अगर बात की जाए तो जिस प्रकार लोगों का मानना है कि जो लक्ष्य होगा वो भारत दक्षिण अफ्रीका को जो है जीत के लिए लक्ष्य भी एक कड़ा देगा ताकि जो है जीत इंडिया जीत सके। तो कहीं ना कहीं आज रायबरेली में भी क्रिकेट को लेकर के उत्साह है, पूरे देश में लोगों को उत्साह है, लगातार लोगों की निगाहें भी टीवी पर बनी हुई है। शाम 8 बजे से मैच शुरू हो जाएगा तो मैच को लेकर के लोगों में आज काफी उत्साह जरूर रायबरेली में भी देखने को मिलने वाले। बिल्कुल, साफ तौर पर देश भर में आज के इस खास मैच को लेकर उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और देखिए आज के अगर हम मैच की बात कर ले तो बहुत खास ये मैच होने वाला है। एक तरफ साउथ अफ्रीका है जो पहली बार फाइनल्स तक पहुंचा है, साउथ अफ्रीका के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि भारत जो फिलहाल T20 में अगर रैंकिंग की बात कर लें तो सबसे ऊपर चल रहा है, साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पर है। तो ऐसे में भारतीय टीम एक मजबूत टीम के तौर पर लगातार उभरती जा रही है। लगातार परफॉर्मेंस की बात कर ले तो सभी खिलाड़ियों ने पूरी सीरीज में शानदार परफॉर्म किया है। हालांकि बैट्समैन में अगर हम बात करें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा ठीक ठाक करते नजर आए, कई मैचों में उन्होंने जो जिताऊ पारी है वो खेली, लेकिन विराट कोहली का बल्ला इस पूरी सीरीज में शांत रहा है और उनके चाहने वाले जो उनके दीवाने हैं वो लगातार ये इंतजार कर रहे हैं कि इस मैच में विराट कुछ विराट निकाल कर देंगे क्योंकि विराट से उम्मीदें देश भर के जो उनके चाहने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा है। तो इस मैच में विराट पर खास नजर होगी कि विराट के बल्ले से किस तरीके के रन बरसते हैं। फिलहाल बॉलिंग की अगर हम बात कर ले तो बॉलिंग का जितना भी सेगमेंट है पूरी तरीके से मजबूत, चाहे हार्दिक पांड्या की बात कर लें या पूरी सीरीज में कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस की बात कर लें, बहुत शानदार परफॉर्म किया और अलग अलग मैचों में बड़े विकेट झटके हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूत परिस्थिति में खड़ा कर दिया और यही वजह है कि आज फाइनल्स में भारत खड़ा नजर आ रहा है। तो इंतजार उस पल का है जब ये ट्रॉफी भारत पहुंचेगी। फिलहाल आज का वक्त बहुत खास है क्योंकि अगर कुछ दिन पहले हम जाएं तो जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान भारत ने बहुत शानदार परफॉर्म किया, लगातार 10 मैच भारतीय टीम जीतती रही, लेकिन 19 नवंबर वो काली तारीख आई जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की उम्मीदों को तोड़ा, भारत के क्रिकेट प्रेमियों के जो सपने थे उनको तोड़ा और एक बार कप जो है वो भारत के हाथ छिन गया था। लेकिन अब वो मौका है जब एक बार फिर से ट्रॉफी भारत अपने नाम कर सकता है। आज की परफॉर्मेंस पर नजर होगी और अगर देखिए टीम की हम बात कर लें तो लगातार पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में भी टीम में कोई बदलाव रोहित शर्मा ने नहीं किया था। रोहित शर्मा के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि इसके पहले जब सेमीफाइनल्स में वो इंग्लैंड को हराए तो उस दौरान उनके कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी सामने आए थे। हमने देखा कि वो किस तरीके से अपने आंसू पोंछते हुए नजर आए जिस पर सोशल मीडिया पर कहा गया कि देखिए 19 नवंबर 2023 वो दुख के आंसू थे और अब जब सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को हराकर फाइनल्स में टीम ने जगह बनाई है तो ये खुशी के आंसू हैं जो रोहित शर्मा की आंखों से निकल पड़े हैं। फिलहाल रोहित शर्मा ने बहुत शानदार पारी खेली इस पूरे सीरीज के दौरान, उन्होंने खुद अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उन बहुत मेंटेन किया है। वो पहले सबसे कम बॉल्स पर ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं T20 में। अगर हम बात करें तो उनका काफी पायदान बहुत ऊंचा हो गया है। तो ये सारी बातें इस मैच में रही हैं। फिलहाल प्लेइंग 11 की बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आज के इस मैच में कोई बदलाव रोहित
शर्मा करेंगे। केशवानंद हमारे साथ में लगातार हैं। केशवानंद, अलग अलग जगहों पर जानकारी ये भी है कि आज के इस मैच को देखने के लिए स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो शहरों में अलग अलग जगहों पर मैच देख सके। बिल्कुल, देखिए मैच को लेकर के इस प्रकार लोगों में उत्साह है कि अगर देखा जाए तो जो कॉलोनी है, कॉलोनी से जो पार्क होते हैं उन पार्कों में बाकायदा टीवी स्क्रीन लगाई गई है ताकि मैच को एक साथ बैठ करके देखा जा सके। तो क्योंकि मैच को लेकर के जिस प्रकार लोगों की सुबह से दुआओं का दौर जा रही है, उस प्रकार इन मैच को देखने के लिए तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने भी तैयारियां कर रखी हो, चाहे स्टेडियम की बात की जाए, स्टेडियम में बाकायदे तैयारियां की गई क्योंकि जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वे बाकायदे स्टेडियम में पूरा एक अपना उनका जो टीम होती उन टीमों के साथ पूरा जो है मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं और इंडिया को जिताने को लेकर के प्रार्थना करना चाहते हैं क्योंकि ये जो इस बार का जो मैच है वो काफी अहम है। तो इसको लेकर के लोगों की जो उम्मीदें हैं क्रिकेटर से भी काफी लगाई। बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें जो है वो लगातार इस मैच से बनी हुई है और देखिये हर किसी को यही उम्मीद है कि इस मैच में ट्रॉफी भारत देश में लेकर आएगा और इंडियन टीम बेहतर परफॉर्म करेगी क्योंकि लगातार इस पूरी सीरीज में अजेय रही है इंडियन टीम और हर एक मैच में बड़ी जीत के साथ में इंडिया टीम आगे बढ़ती रही है। और देखिए इस पिच की बात कर ले अगर तो पिच को लेकर कई तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बातें कर रहे हैं। फिलहाल इस पिच पर सी सीरीज में मैच पहले भी हो चुके हैं इसलिए आज इंडिया के परफॉर्मेंस पर सबकी नजर होगी। रोहित ब्रिगेड किस तरीके से परफॉर्म करता है उस पर नजर होगी और T20 वर्ल्ड कप 2024 के महामुकाबले की वो घड़ी आ चुकी है जब महज एक जीत भारत दूर है, सिर्फ एक मैच और उसके बाद टीम इंडिया के पास होगी ट्रॉफी और बस इंतजार है एक जीत का जब भारत साउथ अफ्रीका से जीत हासिल करेगी और ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। तो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले की घड़ी आ चुकी है और महज एक कदम दूर है भारत और देश भर की निगाहें आज के इस मैच पर बनी हुई हैं। रोहित ब्रिगेड किस तरीके का परफॉर्म करती है वो देखना होगा। फिलहाल रोहित शर्मा की अगर हम बात करें लगातार बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं और एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस में सुधार कह ले या फिर कह ले कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो उनकी ओर से हो सकती थी वो होती आई है। बस विराट कोहली का बल्ला अगर आज के इस मैच में चलता है तो उम्मीद पूरी तरीके से जो जीत की लगाई जा रही है वो बिल्कुल सच साबित हो जाएगी और सच में तब्दील हो जाएगी क्योंकि विराट के फैंस लगातार इंतजार कर रहे हैं। और देखिए सोशल मीडिया पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो विराट को बूस्टअप करने के लिए अलग अलग तरह के पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। खुद ICC की ओर से भी आज पोस्ट किया गया कि फाइनल्स में विराट कोहली कुछ बड़ा लेकर आ सकते हैं, विराट की ओर से कुछ विराट आज निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन आज का मौका बहुत खास है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का महामुकाबला आज शाम 7:30 बजे टॉस और 8 बजे मैच की शुरुआत बारबाडोस के किंग्सटन ओवल स्टेडियम में होगा। तो बहुत खास मौका है। दक्षिण अफ्रीका एक तरफ जो रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 5वें स्थान पर है, वो आज फाइनल्स में पहुंचा है और पहली बार फाइनल्स में है तो उनकी ओर से भी बहुत शानदार परफॉर्म करने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन भारतीय टीम जो रैंकिंग में भी नंबर 1 पर है और अजेय रही है इस पूरी सीरीज में, हर एक मैच में वो जीत हासिल करती रही, उसकी परफॉर्मेंस पर विशेष नजर होगी। तो बहुत खास मौका है और देखिए आज मैच शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। इस पूरी सीरीज में देखिए अगर हम तो बारिश का खतरा कई अलग अलग मैचों पर रहा है। हालांकि इसके पहले जब सेमीफाइनल्स थे इंग्लैंड के साथ में सेमीफाइनल भारत का था तो उस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि बारिश जो है वो बड़ा असर दिखा सकती है, लेकिन बारिश का खलल नहीं पड़ा, पूरा मैच हुआ था। भले ही बीच में कुछ वक्त के लिए बारिश आई लेकिन उसके बाद मैच दोबारा से शुरू हुआ और इंग्लैंड को हराकर एक बार फिर से फाइनल्स में पहुंचा है भारत। अब फाइनल में किस तरीके की परफॉर्मेंस होगी इस पर नजर होगी। फिलहाल बारिश को लेकर फाइनल में भी लगातार कहा जा रहा है, जो मौसम विभाग के लोग हैं बारबाडोस के उनकी ओर से ये जानकारी मिल रही है कि बारिश का साया जरूर है लेकिन रिजर्व डे रखा गया है और कल का रिजर्व डे है, लेकिन एम्पायर्स यही चाहते हैं कि पूरा मैच हो और इसके बाद ही कम से कम अगर बारिश होती भी है तो 10-10 ओवर का मैच तो दोनों ही टीम्स के बीच में जरूर हो ताकि जो नतीजा है वो सामने आ सके। क्योंकि अगर बारिश कल भी होती है और मैच नहीं हो पाता है तो ऐसे में साफ तौर पर दोनों ही टीम्स को विजेता घोषित किया जाता है, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए, विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में कुछ और खास लोग भी जुड़ने वाले हैं, उनकी ओर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज T20 विश्व कप 2024 का महामुकाबला आज होगा और उसी का इंतजार है। आपको बता दें कि खिताब जीतने से महज एक कदम दूर है भारत।
तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के महामुकाबले की घड़ी आ चुकी है और देखिए ये मौका बहुत खास है, एक तरफ रोहित शर्मा के लिए और दूसरी ओर ये मौका खास है राहुल द्रविड़ के लिए जो एज अ कोच इस पूरी टीम को अब तक लीड करते रहे, उनकी ओर से लगातार हर खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया जाता रहा। विराट कोहली सेमीफाइनल्स का वो पल अगर आप लोगों को याद हो जब विराट कोहली थोड़े से भावुक नजर आए थे क्योंकि उनका बल्ला इस पूरी सीरीज में मैंने पहले भी कहा नहीं चला है, तब विराट कोहली को समझाते हुए नजर आया और आज जब उन्होंने प्रेजेंटर्स की ओर से उनसे सवाल पूछा गया तब भी उन्होंने यही कहा कि देखिए उम्मीद है कि विराट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और विराट फाइनल्स में जरूर कुछ बड़ा लेकर आएंगे। तो देखिए अब वो घड़ी भी आ चुकी है जब फाइनल्स का मौका है और आज महज एक जीत भारत ट्रॉफी से दूर है, आज की जीत के बाद ट्रॉफी भारत के पास होगी, दक्षिण अफ्रीका से आज फाइनल में सामना होगा। केशवानंद हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, केशवानंद का रुख करते हैं। केशवानंद, बच्चों में भी क्रिकेट का बहुत उत्साह होता है और साथ ही साथ जो क्रिकेट प्रेमी है वो आज के इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 19 नवंबर 2023 की तारीख लोग भूल नहीं पाए हैं, वो लम्हे नहीं भूल पाए हैं जब ऑस्ट्रेलिया ने पूरे देश की उम्मीदों पर पानी फेरा था और ट्रॉफी छीन ली थी। आज एक बार फिर से मौका है जब एक ट्रॉफी भारत के पास आ सकती है। बिल्कुल, देखिए 2023 की अगर बात की जाए तो उसमें भी लोगों की काफी उम्मीदें थी, देश की जो देश के लोग हैं उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि जो ट्रॉफी होगी वो राइवर मतलब इंडिया आएगी, लेकिन वो 2023 में जो है लोगों की जो सोच थी उस पर पानी फिर गया। लेकिन एक बार फिर जो मौका मिला है 2024 का तो वो उम्मीदें है अगर कहा जाए तो लोग लगा रहे कि एक बार फिर बदला लेने का मौका मिला है 2024 में, ट्रॉफी जो है वो देश में आएगी तो लोगों की इस बार लोगों की है। आज काफी क्रिकेट के जो प्रेमी है वो अगर युवाओं की बात की जाए तो लगातार युवाओं में भी आज काफी उत्साह है, उनकी आज उम्मीदें हैं कि जो ट्रॉफी होगी वो देश में आएगी और जिस प्रकार आज मैच होना है उसको लेकर के भी लोगों में उत्साह है। आज देर शाम 8 बजे जिस प्रकार मैच शुरू होगा मैचों को लेकर के लोग अपनी जो देर शाम की जो तैयारियां होती वो सुबह से कर रहे ताकि जो शाम को फ्री माइंड मैच देख सके, लोग अपने कॉलोनी में एक साथ बैठ करके मैच का लुत्फ उठा सके और देश के जीतने के लेकर के लोग कामना कर सके। तो कहीं ना कहीं आज का जो महामुकाबला है दक्षिण अफ्रीका और इंडिया का जो फाइनल मैच है वो कहीं ना कहीं आज देश के लिए काफी महत्वपूर्ण महामुकाबला माना जाएगा और लोगों में तो काफी उम्मीदें आज टीम इंडिया से है कि वो जो ट्रॉफी है वो इंडिया आ सके। तो कहीं ना कहीं आज क्रिकेट प्रेमी प्लेयर काफी बेहद आज देखा जाए तो उनके लिए काफी आज अच्छा दिन है, वो लगातार जो है दुआएं भी कर रहे हैं कि शाम के मैच को जो है जीतने को लेकर के लोग आज मंदिरों में माथा भी टेकने का काम कर रहे हैं और लोगों को काफी उत्साह देखने को मिला। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। और देखिए आज उत्साह देश भर में नजर आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका से फाइनल का सामना होगा और आपको बता दें कि आज फाइनल की वो घड़ी आ चुकी है। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मौके की वो घड़ी आ चुकी है और इसी खबर पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, आज बहुत खास मौका है, फाइनल का मौका है क्योंकि भारत पूरी सीरीज में अजय रहा है, पूरी परफॉर्मेंस पर अगर हम नजर डालें तो हर एक खिलाड़ी ने मौके पर बेहतर परफॉर्म किया और ऐसा लगा कि जैसे पता है कि किस वक्त पर कौन से बॉलर को एक्टिव होना है और कब किसका बल्ला चल रहा है। आज के इस मैच से फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, कितना उत्साह नजर रहा है देश भर में, हम देख पा रहे हैं सबकी नजरें बनी हुई हैं। देखिए देश भर की नजरें इसलिए बनी हुई है, मात्र 12 महीनों में जिस तरीके से आईसीसी इवेंट्स में भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, ये वही टीम है जिसने 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा ट्रेविस हेड ने एक तरफा करते हुए हार गया, वो जोश इस बार भारत में देखने को कम मिला, लेकिन जैसे जैसे टीम इंडिया अपना जीतती गई मैच को उसके बाद से वो जोश फिर से वापस आया, लोग उम्मीदें तोड़ चुके थे आईसीसी इवेंट्स में। चोकर्स की बात होती है, साउथ अफ्रीका 1998 के बाद पहली बार किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में पहुंची, इससे पहले 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंची जहां उसको हार का सामना करना पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया से वो मैच था। वहीं बात की जाए जिस तरीके से भारतीय टीम खेली है तो इस बार जो प्लान था वो क्लियर था, पिछले दिनों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए जो सेमीफाइनल से पहले रोहित शर्मा ने की कि हमें सब लोग को 50 रन नहीं बनाने, हमारे पास 7 बैट्समैन हैं, 30-30 रन भी बनाते हैं तो 210 रन हो जाते हैं, 20-20 रन भी बनाते हैं तो हम 140 तक पहुंच जाते हैं, 8वें 9वें नंबर के बल्लेबाज हमारे रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। अर्शदीप ने एक मैच में दिखाया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, आखिरी में उन्होंने 16 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए, मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। इस बार हो कह रहा है कि सिर्फ विराट कोहली पर टीम निर्भर नहीं है, सिर्फ रोहित शर्मा पर निर्भर नहीं है, सिर्फ बॉलिंग में बुमराह पर निर्भर नहीं है, जडेजा पर लोड नहीं है, जिस तरीके से पूरा आप देखिए ना कुलदीप यादव उनको कहाँ यूज करना है ये कप्तान को पता है और इसमें जो
साथ मिल रहा है फील्डिंग का, इस बार फील्डिंग भी बहुत बेहतर नजर आई है। कहा जरूर जा रहा था कि भाई की फील्डिंग बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से भारतीय टीम की फील्डिंग को क्या हो गया है। कई हम पिछले अगर 2023 के वर्ल्ड कप में देखें कई कई स्लिप पे छूट रहे थे, लेकिन इस बार देखिए स्लिप पर बहुत अच्छी फील्डिंग हुई, रनआउट्स हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट्स लगा रहे हैं। ये उन सब का फायदा है कि हम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं आ रहे हैं क्योंकि टीम ने जो कंबाइन परफॉर्म किया है। वहीं आप साउथ अफ्रीका को भी मत भूलिए, साउथ अफ्रीका भी अपना कोई मैच हारा नहीं है। उनकी बॉलिंग में एंड्रिक नोकिया है, वहां पर रबाडा आपको देखने को मिलेंगे, केशव महाराज दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात वहां पर जिस तरीके से मार्कम और उनकी टीम तैयार खड़ी हुई है, वो टीम है जो लड़ रही है। और मार्कम का अगर आखिरी आईसीसी इवेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप जो था वो जीत कर आए थे, तो एक उनके साथ ये भी प्लस पॉइंट है कि उन्होंने आईसीसी इवेंट अफ्रीका को जिताया हुआ है। प्रेशर में दोनों टीमें होंगी, एक को चोकर्स कहा जाता है, एक चोकर्स हम मानते नहीं, लेकिन वो भी पिछले 13 सालों से हमें कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी आईसीसी की लाए नहीं है। अब आप देखिए जिस तरीके से विराट कोहली की आप बात कर रही थी, उनका बल्ला नहीं चल रहा, हो सकता है उनका बल्ला आज चल जाए ओपनिंग के लिए। आईपीएल में लगातार वो ओपन करके अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कई बार विकेट का साथ नहीं मिला, कभी बॉल अनइवन हो गया, वो उनके साथ दिक्कत है। लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, इस बार उन्होंने अटैक करने के लिए गए हैं पूरी टीम इंडिया। किसी भी होता क्या है कि विराट कोहली को आउट करने के बाद टीम सोचती है सामने वाली कि हमने एक बहुत बड़ा विकेट गिरा लिया है, भारतीय टीम को टेंशन हो जाएगी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल विशाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए विराट कोहली क्योंकि एक बहुत बड़े खिलाड़ी है और इनके बल्ले से रन बरसते हैं ऐसा माना जाता है। आपने भी कहा कि जब ये आउट होते हैं तो सामने वाली टीम का मनोबल बढ़ता है और भारतीय टीम का गिर भी जाता है, और उसके साथ ही देश भर के जो लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं उन्हें भी थोड़ी सी निराशा होती है। लेकिन बहुत से जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये कह रहे थे क्या वजह है कि आखिर विराट जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है, कहीं इसकी वजह ओपनिंग में खोलना उनको उतारना ये तो नहीं है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अगर मिडिल ओवर में लेकर आते हैं विराट को तो शायद बेहतर परफॉर्म करे। देखिए इसमें जो इंडिया लेवल पे क्रिकेट खेल रहा होता है उसको पता होता है मुझे कहाँ खेलना है। 2007 का वर्ल्ड कप जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा रोहित शर्मा कौन से डाउन खेलने आते थे, हरभजन के नीचे कभी बैटिंग करने आते थे, हरभजन से ऊपर आते, इसके ऊपर उन्होंने कभी बैटिंग नहीं करी। और 20 साल का लड़का जब इंग्लैंड के खिलाफ आपको मैन ऑफ द मैच चुना जाता है तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज 2024 में वो लीड कर रहा होगा टीम को। तो जो प्लेयर होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल, आप ऋषभ पंत को देखिए, वो ओपन किया करते थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, आईपीएल में ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर तीन पर खेलते हैं। तो प्लेयर्स को हमेशा टीम के अकॉर्डिंग खेलना होता है। आप कहीं ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस सीट पर 100% आऊंगा, मुझे 3 नंबर पर ही खेलना है। विराट कोहली ने एक चुनौती थी उनके लिए और उसको स्वीकार किया। जिस तरीके से देखिए वो काम कर रहे हैं जो एंकर शीट भूमिका निभानी है, अगर वो एक एंड से विकेट रोकना है तो रोक सकते हैं, प्रेशर नहीं बिल्ड होने दे रहे हैं वो, ये हमको नोटिस करना। हाँ बिल्कुल, बेशक रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन 35-40 रन, 20 रन, 15 रन, 0, ये सब आंकड़े जरूर हैं। लेकिन विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है जिसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल एक मैच से जज कर लिया, एक टूर्नामेंट से जज कर लिया। हो सकता है आज ही विराट कोहली का बैट चल जाए। सूर्य कुमार यादव को हम लोग कह रहे थे कि देखिए आईसीसी इवेंट में परफॉर्म नहीं करते हैं, देखिए बड़ी टीमों के खिलाफ और कैसे सेमीफाइनल में रन बनाए उन्होंने, अच्छी पार्टनरशिप करी, वही पार्टनरशिप जीत के लिए भारतीय टीम के लिए उसने पूरा अच्छा रोल प्ले किया। बिल्कुल साफ तौर पर विशाल, देखिए लगातार विराट को लेकर उम्मीदें हैं क्योंकि विराट एक बड़ा नाम है अपने आप में, इसी वजह से लगातार देखिए चाहे रोहित शर्मा हो, उनकी ओर से भी जब प्रेजेंटर ने उनसे सवाल पूछा तो रोहित भी यही कहते नजर आए कि जो शख्स 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो फॉर्म में है नहीं है, उसे पता है कि कब कहां पर किस तरीके से करना है और उनका बल्ला रन बरसाता है ये सब जानते हैं। राहुल द्रविड़ ने भी, जो उनके कोच है, वो भी यही कहते हुए नजर आए, और खुद सेमीफाइनल में तो वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी जब दिलासा देने विराट को पहुंचे थे और उन्होंने उसके बाद में भी यही कहा कि देखिए विराट फाइनल्स में कुछ बड़ा लेकर आ सकते हैं। तो आज के मैच में भी विराट से उम्मीदें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल विशाल कुछ अगर टेक्निकल बातें की जाएं तो आज की पिच से फिलहाल क्या उम्मीद लगाई जा रही है, किसके लिए आसान होने वाली है और किसके लिए, बॉलर्स के लिए या फिर बैट्समैन के लिए, किसके लिए आसान है? देखिए बारबाडोस की पिच की अगर बात की जाए तो यहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी का बहुत अच्छा टकराव देखने को मिलता है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है यहां की जो पिच है ये स्विंग और बाउंस दोनों के लिए मददगार है, दोनों टीमों में ऐसे बॉलर है जो स्विंग और बाउंस दोनों कराते हैं, चाहे वो रबाडा हो चाहे नोकिया। हाँ भारत को अगर बचने की जरूरत है यहाँ पर तो केशव महाराज से है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्हें पता है कि और एशियाई पिचों पर जिस तरीके से उन्होंने कमाल किया है तो उनको स्पिन ट्रैक
पसंद आते हैं, ऐसे ट्रैक, मतलब स्पिन ट्रैक तो नहीं, स्पिनर वो खुद है, लेकिन उनको ऐसे ट्रैक पसंद आते हैं जहां पर थोड़ा बॉल तेज निकल रहा हो, थोड़ा बाउंस, क्योंकि उनका आर्म रिलीज जो है आप देखिए अमूमन यहां से कंधे के पास या कान के पास से हाथ को स्ट्रेट लेके लेफ्ट आर्म डालता है, लेकिन जिस तरीके से बॉल को वो ग्रिप करते हैं और पूरे अपने थंब से बॉल को एक स्पीड देते हैं जो बॉल उनकी पड़कर कट होती है और स्किट करती है, ये देखना होगा। और यहां पर ही देखिए हर बार स्पिनर ही कोई कमाल करके देता है भारतीय टीम के खिलाफ, तो इस बार केशव महाराज हैं ये एक बड़ा चैलेंज होंगे। और जिस तरीके से अफ्रीका की फील्डिंग है, अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है उसको अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो उस पर आपको जोर डालना होगा, उसी पर आपको फोकस करके, अगर आपने शुरुआत में दो विकेट पावर प्ले में अफ्रीका के गिरा दिए तो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही लो स्कोरिंग मैच हो जाएगा और आप आसानी से मैच जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय समय अनुसार 8 बजे मतलब वहां के रात के 10 बजे लगभग मैच शुरू जब होना है तो वहां पर पानी के आसार हैं 79% और तेज तूफान के भी हैं, और ये लगभग तो आप समझिए जब मैच शुरू होगा या उससे पहले या 2 ओवर 3 ओवर बाद तेज बारिश के साथ तूफान आएगा, हो सकता है कि मैच के पूरे ओवर खिलाए जाए क्योंकि रिजर्व डे है हमारे पास, तो बारिश को देखते हुए भी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब पिचों में, क्योंकि बारिश जहां पर मुद्दा बनता है ओस नहीं होगी, लेकिन यहां पर आपको टॉस जीतना होगा और टॉस जीत के आप अपनी पिच के हिसाब से देख सकते हैं कि आप आज के मैच में टॉस का भी बहुत अहम है। देखिए पिच हो या फिर टॉस हर मैच में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ऊपर आया जा सकता है। विशाल आपको यहाँ पर रोकते हैं, तो देखिए आज का मैच बहुत खास हो गया है जब T20 का महामुकाबला आज होने जा रहा है और रात 8 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि देखिए आज भारतीय टीम में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि उसी टीम के साथ रोहित एक बार फिर से उतरेंगे और कुलदीप यादव जो भारतीय टीम के स्पिनर हैं, इनके कोच कपिल देव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमन तिवारी ने, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। आज का T20 मैच भारत के लिए जीतना कितना अहम है ये पूरा देश जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर के कुलदीप यादव भी आज इस फाइनल T20 मैच में खेल रहे हैं, उनके जो कोच कपिल पांडे जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं। आज क्या होने वाला है? ये सभी लोग बहुत इंतजार है, हम लोग सेमीफाइनल जीते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, खासकर रोहित शर्मा अपने टॉप फॉर्म में है और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और सूर्य कुमार भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत भी थोड़ी बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है और हार्दिक पांड्या ने बहुत शानदार गेम खेला है और जो बॉलर्स हैं उसमें कुलदीप यादव भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने 3 विकेट निकाले और अच्छे टाइम पे 3 विकेट निकाले और उसके बाद बुमराह बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और इसमें सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही बहुमूल्य समय है कि आज के जो मैच को जीतना और वर्ल्ड कप को लिफ्ट करना, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जीतने से हमारे पूरे देश का ही फायदा होगा, खासकर उन खिलाड़ियों को बहुत हौसला अफजाई होगी जो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 में है और साथ में रणजी ट्रॉफी के जो हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश की जो टीमें हैं वो भी हौसला अफजाई उनको प्राप्त होगी कि वो 20-20 ओवर का कैसे जीता जाता है, कैसे खेला जाता है, ये एक बहुत ही शानदार टाइम रहेगा इन खिलाड़ियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। सर स्पेशल कुलदीप के लिए क्या कहेंगे, पूरी टीम को तो आपने बधाई दी है, कुलदीप के लिए क्या कहेंगे? बहुत प्राउड मोमेंट है कि कुलदीप यादव ये हमारे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमारे कानपुर के मेरे स्टूडेंट हैं, इससे बड़ी खुशी की बात किसी को नहीं हो सकती है। कुलदीप यादव से मेरी कल बात हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप कैसे, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बोला क्या चल रहा है, मैंने कहा तुम्हारे मैच का इंतजार चल रहा है और सभी लोग की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस टाइम अपने सभी खिलाड़ियों पे हैं, आज वो समय आ गया है सभी को कर दिखाना है, इसमें कोई जगह छोड़नी नहीं है क्योंकि हम साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं ले सकते, वो एक डेंजरस टीम है, उनके भी डिकॉक अच्छे बैट्समैन है, मार्कन अच्छा है और बीच में मिलर अच्छी बैटिंग करते हैं, तो उन सभी खिलाड़ियों को रोकना है और कम से कम पे रोकना है और जल्दी आउट करना है, उसमें बॉलिंग की जो अहम भूमिका बुमराह और कुलदीप यादव और जडेजा और अक्षर पटेल ये अच्छा निभाएं और कम पे आउट करें जिससे एक हमारे जो बैट्समैन है उसको आसानी से बना लें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी इसमें विराट कोहली ने रन नहीं बनाया है और मुझे लगता है होप्सो कि वो इसमें रन बनाएंगे, शिवम दुबे का भी बहुत कुछ बाकी है, ऋषभ पंत का बाकी है, तो सभी खिलाड़ी पूरी टीम लग के खेले और ये वर्ल्ड कप लिफ्ट करें। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे, इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी टीम जो है वो फॉर्म में है, विराट कोहली से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, उसके साथ साथ कुलदीप यादव से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, तो ये टीम जो है आज मैच जीत कर आएगी। के न्यूज़ इंडिया के लिए अमन तिवारी कानपुर।
पल तो इंतजार इसी चीज का है कि जल्द ही भारत की जो टीम है वो ये मैच जीत कर आए और कप जो है वो भारत पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए। तो कुलदीप यादव के कोच से भी खास बातचीत की है जहां पर हर किसी को बस इंतजार है तो इस बात का जब ट्रॉफी भारत आएगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 महामुकाबले का दिन आ चुका है और शाम 8 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी। 7:30 बजे पहले टॉस होगा, उसके बाद शुरू होगा आज का महामुकाबला और उम्मीद यही कि भारत ये मैच जीतेगा। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।